हेलो फ्रेंड्स, तो हम सेकंड चैप्टर 12th बायो का स्टडी कर रहे थे, रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्म। तो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था प्लांट्स के जो फ्लावर के जो पार्ट्स थे उसके बारे में, जो उनके फंक्शन थे, अलग अलग पार्ट थे, उनके बारे में स्टडी किया था। आज हम नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं या जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल थॉट आज आपके लिए नया, इफ यू वांट टू अचीव ग्रेटनेस स्टॉप आस्किंग फॉर परमिशन। अगर आप महानता प्राप्त करना चाहते हो तो परमिशन लेना छोड़ दो। अब यहाँ पे ये नहीं है भी घर वालों की परमिशन ले लो, टीचर्स की परमिशन ले लो। यहाँ पे ये है कि आपका जो एम है, आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, आप कुछ और बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो उसके लिए बार बार ये मत सोचो, किसी से पूछो मत मुझे ये करना है वो करना है। आपने क्या करना है, अपने टारगेट पे फोकस करना है और उसी को अचीव करने के लिए कोशिश करनी है। बार बार किसी से परमिशन लेना, बार बार किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमिशन जल्दी से लोग देते भी नहीं है ना, ये भी तो आपको पता है। तो ये अब हम चैप्टर अपना शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम स्टूडेंट दो चीजें पढ़ी थी फ्लावर के अंदर। एक तो आपको बताया था मेल पार्ट जो था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और दूसरा फ्लावर के अंदर बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल वाला कौन सा था, एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम की जो यूनिट्स होती है उनको क्या बोलते हैं, स्टेमन। और फीमेल वाला कौन सा था, गाइनोशियम, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो ये पार्ट हमने उसके अंदर पढ़े थे। अब हमें क्या करना है, जब भी कोई फर्टिलाइजेशन होगी, उससे पहले मैंने पिछले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें आपको बताया था कि बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स होते हैं, गैमीट की फॉर्मेशन होती है, तो गैमीट की फॉर्मेशन के लिए गैमीट का डेवलपमेंट भी जरूरी होती है। तो गैमीट की, मेल गैमीट की, फीमेल गैमीट की डेवलपमेंट जो है वो किस प्रकार से होगी, कैसे कैसे होगी, वो हम स्टडी करेंगे। तो अब हम शुरू जो कर रहे हैं आज प्लांट के अंदर, वो पहले क्या करेंगे, जो मेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है प्लांट का, एंड्रोशियम है, उसके अंदर किस किस प्रकार के प्रोसेसेस होते हैं। स्टूडेंट्स एक ध्यान रखना, जब भी कोई चीज की डेवलपमेंट होती है वहां पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं। तो आपने इनके साथ साथ इन चीजों को हम पढ़ते रहेंगे, यहाँ पे कौन किसका रोल क्या रहा, किसका क्या रोल रहा, वो भी हम स्टडी करेंगे। और स्पोर जो फॉर्मेशन है या मेल गैमेट की फॉर्मेशन है, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन है, किस प्रकार से हो रही है, कौन सी सेल डिवीजन होती है, उसके ऊपर आपने ध्यान देना है, क्योंकि ये एक बोर्ड एग्जाम और नीट दोनों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। तो हम पहले जो प्लांट के अंदर पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो एंड्रोशियम कहता है यहाँ पे, या जो यूनिट्स होती है उसकी, स्टेमन जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। उसका जो उसके पार्ट है, उसके फंक्शन और किस प्रकार से उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके बारे में इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो आपने जनरली स्टूडेंट कल भी आपको बताया था दो पार्ट होते हैं उसके, एक तो फिलामेंट और ऊपर क्या होता है, एंथर, क्या होता है, एंथर, ये फिलामेंट और एंथर, ये पार्ट क्या है पूरा, ये क्या है एंथर और ये क्या है फिलामेंट, क्या है फिलामेंट। मैंने ये स्ट्रक्चर पहले यहां पे बना रखा है ताकि थोड़ा टाइम अपने को कंज्यूम कम हो। तो एंथर एंड फिलामेंट पूरा क्या है, एक स्टेमन जिसको हम बोलते हैं, दो पार्ट होते हैं यहाँ पे, एंथर एंड फिलामेंट। अब फिलामेंट का जो पार्ट होता है जनरली एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिलामेंट क्या काम करता है, फिलामेंट क्या प्रोवाइड करता है, एक तो स्पोर्ट टू एंथर, एंथर को सपोर्ट करता है या स्पोर्ट्स एंथर। दूसरा क्या करता है, सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, ये ध्यान रखना है, सप्लाई न्यूट्रिएंट एंड वाटर, किसकी सप्लाई करता है, ये न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर की सप्लाई करता है एंथर को। यहाँ पे एंथर के अंदर क्या होती है, सेल डिवीजन होगी यहाँ पे, तो वहां पे किस चीज की जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत होगी, तो वो एनर्जी कहां से
से जो प्लांट की जो नीचे पार्ट होगी ये बताऊंगा क्या कैसे होगा, तो यहां से वो न्यूट्रिएंट की सप्लाई ऊपर की तरफ है होती, किसकी, न्यूट्रिएंट एंड वॉटर की। अब स्टूडेंट्स आप एक चीज आप समझ गए होंगे, न्यूट्रिएंट्स और वॉटर की सप्लाई अगर हो रही है तो यहाँ पे इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर टिश्यू, क्या प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू वॉटर और ये न्यूट्रिएंट्स कौन सप्लाई करता है, मीनिंग यहाँ पे क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये फिलामेंट के बारे में आपको मैं बता रहा हूं, क्या करता है, एक तो स्पॉट प्रोवाइड करता है एथर को, दूसरा क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स और वॉटर की सप्लाई कर रहा है, और न्यूट्रिएंट और वॉटर, फूड एंड वॉटर कहां से जाएंगे, जाइलम और फ्लोएम के अंदर वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू सप्लाई होंगे। उसके अलावा जो फिलामेंट होता है जो अटैच होता है किससे अटैच होता है, थैलेमस से या पेटल से, किससे अटैच होता है, या तो थैलेमस से होगा या पेटल से होगा, वो हम जो यहाँ पे जो डिफरेंसेस आता है वो हमने मॉर्फोलॉजी जब हमने पढ़ी थी तब आपको करवाया था, अपने फिर उसके पेज पे जाने मैंने कहा था साथ साथ 11th की बुक आप खोलोगे वहां पे थोड़ी थोड़ी चीजें इनके बारे में स्टडी करोगे। तो थैलेमस या पेटल के साथ ही अटैच होता है, इसका जो एक प्रॉक्सिमल पार्ट होता है इधर वाला जो थैलेमस के साथ अटैच, कौन सा पार्ट है इसको, प्रॉक्सिमल पार्ट बोला जाता है, और जो इधर जो एंथर के साथ जुड़ा होता है इसको क्या बोलते हैं, डिस्टल पार्ट। प्रॉक्सिमल कौन सा, जहां से वो ओरिजिन की ओर से जुड़ा हुआ, मीनिंग जहां से वो थैलेमस या पेटल के साथ जुड़ा हुआ प्रॉक्सिमल पार्ट, और जो एंथर की तरफ जुड़ा उसको क्या बोलते हैं, डिस्टल पार्ट, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसको हम कह सकते हैं। तो ये फिलामेंट के बारे में कुछ मैंने आपको बताया। अब देखिए स्टूडेंट, फिलामेंट जो है यहां पे एंथर के साथ अटैच होता है, या मैं एक और स्ट्रक्चर बना देता हूं थोड़ा सा, एक बार यहां पे मैं इसको रेड कलर कर रहा हूं थोड़ा, और ये अगर इसको थोड़ा सा डीपली देखोगे तो ये स्ट्रक्चर है, ये जो फिलामेंट होता है अंदर जाके यहां पे अटैच होता है, और कौन से टिश्यू के द्वारा अटैच होता है अंदर, ये जो इनकी जो लोब भी होगी वो भी आगे बताऊंगा, ये जो टिश्यू यहां पे कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू, कौन से टिश्यू के द्वारा अटैच होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा टिश्यू होता है अंदर यहां पे, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये फिलामेंट के बारे में, फिलामेंट इससे अटैच होता है एंथर के साथ, ये फिलामेंट के फंक्शंस है, क्या क्या, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है, स्पॉट प्रोवाइड करता है, और न्यूट्रिएंट और वाटर की सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, और कनेक्ट कौन से टिश्यू के द्वारा होता है, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा कनेक्ट होता है। तो ये है फिलामेंट के बारे में। अब हम स्टडी करेंगे एंथर के बारे में, तो एंथर, एंथर के बारे में स्टडी करेंगे भी, फिलामेंट। देखो एंथर जो होता है, एंथर, एंथर जनरली जो प्लांट्स होते हैं जैसे एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं हम यहां पे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं, जिन प्लांट के फ्लावर लगते हैं, कौन से प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिन प्लांट के क्या लगते हैं, फ्लावर लगते हैं। तो एंजियोस्पर्म जनरली क्या होता है, दो लोब होती है, क्या होता है, बाई लोब होता है, जो लोब होती है एंजियोस्पर्मिक जो एंथर के अंदर वो क्या होती है, दो लोब होती है, टू लोब, और कुछ के अंदर क्या होती है, ये मोनो भी होती है, जैसे कि कुछ एंथ्रिस के डिवाइड पे हम दो प्रकार से बना सकते हैं, मोनोथिकस एंड डाई थिकस, जिनमें दो लोब होती है उनको डाइथिकस और एक होती है उनको मोनोथिकस। तो मालवेसी फैमिली जो होती है, मालवेसी, मालवेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, मोनोथिकस एंथर उनके अंदर मिलता है, यानी उनके अंदर लोब कितनी होती है, एक लोब मिलती है, और उसके अलावा जितने भी एंजियोस्पर्म जो होंगे, अब मोनोथिकस है,
इसके अंदर क्या है, एक ही लोब है, इसके अंदर क्या होगा सुप्रेंजियल यहां पे बनेगा, ये बताऊंगा वो क्या होगा, बाई सुप्रेंजिएट, बाई सुप्रेंजिएट मतलब यहां पे पोलर सेक है वो क्या बनेंगे, दो बनेंगे, दो पोलर सेक यहां पे बनेंगे। और जो दूसरा डाइथिकस है इसमें जितने भी ऑरेंजेस फॉर्म बचेंगे उन सभी के अंदर ये क्या होगा, टेट्रा सुप्रेंजिएट, मतलब इसके अंदर जो पोलन सेक जो बनते हैं जैसे यहां बनाए हुए 1 2 3 4 फोर पोलन सेक यहां पे जो सुप्रेंजियम जो है माइक्रो सुप्रेंजियम वो क्या होंगे, चार यहां पे होंगे, यहां पे कितने होते हैं, दो होते हैं। तो ये आपने याद रखना है बाई सुप्रेंजिएट मालवेसी फैमिली में। उसके अलावा एक प्लांट होता है वोल्फिया, याद रख लेना ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कौन सा प्लांट होता है ये, वोल्फिया प्लांट होता है, वोल्फिया एंड मोरिंगा, इन प्लांट के अंदर भी जो एंथर होगा उसके अंदर बाई सुप्रेंजिएंट कंडीशन होगी, मतलब टू पोलन से इसके अंदर बनते हैं। अब यहां पे कितने बनते हैं और शरीर के अंदर टेट्रा। उसके अलावा एक कंडीशन, एक प्लांट और होता है पेरासाइटिक प्लांट है, उसके अंदर मोनो सुप्रेंजिएट कंडीशन भी आती है, मतलब एक पोलन सेक वहां पे हो सकता है, मोनो मोनो सुप्रेंजिएट एक सुप्रेंजिया भी वहां पे बन सकता है। आर्सिफोमियम प्लांट है, ये आपने याद रखना है नीट के यूज से, ये जो पॉइंट्स मैं यहां पे आपको लिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, ये आपको अलग अलग नोट करने हैं, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा, एंथर मोनोथिकस हो सकता है, डाइथिकस हो सकता है। मालवेसी फैमिली में क्या होगा, जनरली मालवेसी फैमिली में क्या मिलता है, ये मोनोथिकस मिलता है, और जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, डाइथिकस होता है, मतलब दो लोब होती है यहां पे, और यहां पे क्या होती है, वन लोब होती है। उसके अलावा उसके अंदर स्प्रेंजिया बनेंगे, उसमें दो, उसमें माइक्रो स्प्रेंजिया दो बनेंगे, इसमें क्या बनेंगे, चार बनेंगे, इसमें बाई सुप्रेंजिएट एंड टेट्रा सुप्रेंजिएट। इनके अलावा भी वोल्फिया और जो मोरिंगा है उसके अंदर भी बाई सुप्रेंजिएट कंडीशन मिलती है, और मोनो सुप्रेंजिएट मतलब एक ही पोलन सेक भी कुछ एक प्लांट के अंदर मिलता है, उसका आर्सिफोमियम, ये प्लांट एक पैरासिटिक प्लांट होता है। तो ये एक एंथर के बारे में जनरल जो पॉइंट्स थे कुछ मैंने आपको यहां पे बताए हैं। और अब हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की, जो जनरल हमें पढ़ना है, ये तो अलग अलग टाइप आई थी। अब जो है आपको पता है एंजियोस्पर्म में क्या होती है, टू लोब होती है, हर लोब में कितने होते हैं, दो चैंबर, मतलब टोटल कितने हो गए, चार चैंबर हो गए, एक लोब में दो चैंबर हुए तो टोटल कितने हो गए, चार चैंबर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब अगर इसको हम इस प्रकार से कट करते हैं, या जो मैंने यहां पर पहले बनाया था, बीच का पार्ट अगर आप देखोगे तो आपको एंथर जो है इंटरनल कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। अब इसमें क्या है, जो अलग अलग लोब दिखाई दे रही है, अलग अलग इसके अंदर आपको माइक्रो सुप्रेंजिया जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसको कट करोगे आप, जब इसको डिसेक्ट करोगे तब क्या होगा, डिसेक्ट करने पे आपको अंदर से जो बायलॉब एंथर होगा वो इस प्रकार से आपको दिखाई देखा। ये तो इसका क्या हो गया, फिलामेंट, ये क्या है, एंथर है, क्या है, एंथर, एंथर। और ये जो चार अलग अलग यहां पे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं यहां पे, ये क्या है, इसके माइक्रो सुप्रेंजिया, माइक्रो सुप्रेंजिया है, और माइक्रो सुप्रेंजिया ही बाद में मैच्योर होके क्या बनते हैं, पोलन सेक, और पोलन सेक में क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बारे में किस प्रकार से पोलन ग्रेन बनते हैं, किस प्रकार से पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट होगी वो भी स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें माइक्रो सुप्रेंजिया जो है
ये टेट्रा मैंने बताया था, चार कंडीशन है, चार पोलन शेक यहाँ पे बनते हैं और इसकी लोब के अंदर जब इसको डाइसेक्ट करते हैं तो इंटरनल आपको कंडीशन यहाँ पे ये दिखाई देगी। अब जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इनकी लोब के अंदर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसको देखेंगे तो वो कनेक्टिव टिश्यू क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ देख रहे हो अगर आप इसको कट करोगे तो यही लगेगा, यहाँ क्या प्रेजेंट है इनके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू क्या प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है इनके अंदर, जो इसको अटैच भी करता है और लोब के बीच के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो क्या होता है, स्टीराइल होता है। क्या होता है, स्टीराइल। स्टीराइल मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, स्टीराइल कौन सा होता है, जो रिप्रोडक्शन नहीं करे, यहाँ पे रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है। कनेक्टिव टिश्यू पूरा यहाँ पे प्रेजेंट होगा इनके लोब के बीच में, क्योंकि बीच में देखिए यहाँ से अगर आप देखोगे इसको, ये क्या है, फिलामेंट, ये फिलामेंट अंदर यहाँ जाकर अटैच होता है इसके पूरा, ठीक है। तो ये फिलामेंट ऐसे अटैच होता है तो वो जुड़ा किसके साथ होता है, अगर बीच में देखोगे तो टिप पॉइंट अगर यहाँ देखोगे तो कनेक्टिव टिश्यू के साथ, और कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, स्टीराइल होता है। तो ये एंथर का जनरल पॉइंट आपको बताए हैं, एंथर मोनोथिकस भी हो सकते हैं, एंथर क्या हो सकते हैं, डाइथिकस भी एंथर आपको मिल सकते हैं। मोनोथिकस किसके अंदर, किसके अंदर मिलते हैं, मालवेसी के अंदर, पर ज्यादातर प्लांट जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होंगे उनके अंदर कौन से होंगे, डाइथिकस। मोनोथिकस के भी कुछ और एग्जांपल बताए थे, उसके अलावा बाइसुप्रेंजिएट बताया, जो मोनोथिकस होते हैं उनके अंदर सुप्रेंजियल होते हैं, टू फॉर्म होते हैं या माइक्रोसुप्रेंजिएट होते हैं, दो बनते हैं, उनको बाइसुप्रेंजिएट बोलते हैं। ये कौन से होते हैं, टेट्रासुप्रेंजिएट होते हैं। मोनोसुप्रेंजिएट को भी अलग, मोनोसुप्रेंजिएट एंथर का भी आपको एक आर्सिथोम्बियम का आपको एक एग्जाम्पल बताया, एक पैरासाइटिक प्लांट होता है। ये आपने लाइन टू लाइन आपको इसने या पॉइंट टू पॉइंट इसको स्टडी आपने स्टूडेंट से करना है। क्या करना है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का इंट्रोडक्टिव पार्ट मैंने आज आपको बताया है। नेक्स्ट अब जब हम करेंगे उसमें क्या आएगा, मेल गैमेट की फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होगा, फॉर्मेशन किस प्रकार से होगी माइक्रोस्पोर की, मेल गैमेट की या पोलन ग्रेन की, वो हम स्टडी अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके अंदर करेंगे। तो एंथर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंथर जो होता है उसी के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट होती है। ये जो दिखाई दे रहे हैं अगर आपको, इसके अंदर क्या होगा, यही पोलन ग्रेन होते हैं और ये क्या होते हैं, पोलन से इन्हीं के अंदर बाद में जाके डेवलपमेंट होती, कैसे डेवलपमेंट या पूरा या धिका भी बोलते हैं इनको, ये किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इनका डाइसेंस होगा, किस प्रकार से बाहर निकलेंगे, ये सारी जो कंडीशंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना है, आज आपने एंथर का डायग्राम बना के देखना है, एंथर का डाइसेक्ट कर, ये वाला डायग्राम एंथर के, ये एंथर के जो अलग अलग एग्जाम्पल दिए थे आपको वो स्टडी करनी है, ठीक है गाइस। तो आपने क्या करना है, आज इतना जो मैंने आज एक लेक्चर इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर एंथर का बनाया है वो आपने स्टडी करना है। ओके गाइस, थैंक यू।